अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ टेक्निकल वोमेन पे। तो व्यूअर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ये एक पोर्टेबल एसी पड़ा हुआ है। ये ऐसा एसी है जो आप अपने घर में, जैसे कि जो जिनके घर अपने नहीं होते या रेंट पे होते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे जिनकी शिफ्टिंग ज़्यादा होती है, तो वो ये इस तरह के एसी लेते हैं, परचेज़ करते हैं, क्योंकि उनमें ये होता है कि उन्हें आसानी रहती है कि वो फिर इधर उधर ले जाने में उन्हें आसानी रहती है। अगर वो फिक्सिंग वाला ले लेंगे तो उन्हें ले जाने के लिए उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो अभी इसको जो मसला आ रहा है इस एसी को, इसे ये मसला है कि ये ट्रिप करता है, मतलब कि इसकी थोड़ी देर चलता है, एक दो मिनट के लिए, उसके बाद ये बंद हो जाता है। अब इसको चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये बंद क्यों होता है, ट्रिप क्यों करता है बार बार। तो एक तो देखें, ये वैसे तो ये बिल्कुल बंद है, अभी अंदर से तो चेक करने के लिए हमें ये खोलना पड़ेगा, लेकिन एक मेन जो रीज़न इसकी आ रही है वो ये देख रहे हैं आप, ये इसका स्विच है जो काफ़ी हद तक डैमेज है, कि जला हुआ है ना, लेकिन जलने के बावजूद भी ये चलता है। मतलब लूज़ कनेक्शन है लेकिन फिर भी ये चल रहा है ना, तो इसकी एक वजह तो ये भी हो सकती है, मे बी इसी में मसला हो। लेकिन मज़ीद हम इसको चेक करने के लिए हम इसको खोलेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, इसका ये फ्रंट है, हम इसको, इसके अंदर पेच लगे होते हैं, घूमने वाली पिन लगी होती है, उसको हम घुमाएंगे और खोल लेंगे। ये देखें, इस तरह हमने अलग कर लिया, और फिर इसके अंदर ये नट लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, इससे हमने ये नट अलग करने हैं सारे। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसके सारे नट खोल लिए हैं, तो इसको अलग कर दिया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी पूरी बॉडी हमने खोल दी है, देखने के लिए कि इसमें क्या मसला है। तो बाहर तो आप देख रहे हैं कि ये देखिए, इसकी सारी जो तारें वगैरह लगी हुई हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही लगी हुई हैं, कहीं कोई तार इसकी डैमेज नहीं है, हर चीज़ इसकी सही लगी हुई है। तो हालांकि मसला तो हमें नज़र आ रहा था कि बाहर ही है, लेकिन हम सिर्फ इसका जायज़ा लेने के लिए इसको देख रहे हैं कि मे बी इसके अंदर कोई बड़ा फॉल्ट ना हो। तो ये कंप्रेसर है, इसे भी आप देख लें कि ये, तो इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे इसके एम्पेयर कि ये किस तरह, मतलब कि कूलिंग किस तरह करता है, कितने मिनट करता है, ठीक है, फिर हम चेक करते हैं। ये हीट डिस्चार्ज है, इधर आप देख रहे होंगे कि इधर से ये इसकी हीट निकालता है, ये वाला, ये इसकी हीट डिस्चार्ज मोटर लगी हुई है, और ये इसकी कूलिंग फ्लो है, और ये देख रहे हैं इधर से ये इसकी कूलिंग करता है, ठीक है, और ये नीचे इसका कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों चीज़ों के जो एम्पेयर हैं वो चेक करेंगे, जो हमारे इसके ऊपर लगे हुए हैं। अगर ये एम्पेयर इनके बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनमें कोई मसला नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। अगर इनके एम्पेयर आपस में बराबर नहीं आते, इसके ये हीट डिस्चार्ज है और ये कूलिंग फ्लो है और ये कंप्रेसर, तो अगर इनके बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि इनमें फॉल्ट है कोई। तो इनके जो, तो जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसके ऊपर ये एम्पेयर इसके लिखे हुए हैं, अगर हम ये इन तीनों चीज़ों के एम्पेयर हमारे बराबर आएंगे तो ये बिल्कुल सही है, इनमें कोई फॉल्ट नहीं है। अगर एम्पेयर बराबर नहीं आते तो फिर हमारा ये जो स्विच है, ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है जला हुआ है, तो इसको हम कट कर देंगे, यहाँ पर दूसरा स्विच लगाएंगे। अगर मतलब के फिर भी वो उसमें फॉल्ट है तो फिर इनमें फॉल्ट होगा, अगर अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि इनमें फॉल्ट हो, क्योंकि मुझे यही फॉल्ट ज़्यादा लग रहा है कि इसी के अंदर फॉल्ट है, कि ये बहुत ज़्यादा डैमेज है और जल चुका है, और इसी की वजह से इनकी जो ट्रिप हो रहा है इसी स्विच की वजह से हो रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए सारा खोला है कि इसमें भी आपका फॉल्ट हो सकता है, लेकिन बाहर आपका फॉल्ट इसी में है। तो अभी आप देखें आगे, फिर हम इसको कैसे कट करते हैं और स्विच कैसे लगाते हैं, ठीक है, फिर हम चेक करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये स्विच मैंने काट के अलग कर दिया है। ये मेरे पास, ये देखें मेरे पास कटर था, इस कटर से मैंने इसको अलग काट दिया, काट के अलग कर दिया। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारा 3 पिन था इस, लेकिन अभी जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 2 पिन है हमारे पास, ये मेरे पास है, ये 2 पिन है, तो 3 पिन नहीं है। तो अभी इसके अंदर 3 तारें, ये देखिए ये लाइन है और ये न्यूट्रल, ये अर्थ है, तो चूँकि हमारे पास 3 पिन नहीं है, 2 पिन है, हम इसी को इसमें एडजस्ट करके तो लगा लेंगे। जब बाद में मतलब मार्केट खुलेगी तो हम दूसरा 3 पिन ले आएंगे, तो इसमें एडजस्ट करेंगे। लगाने के लिए आपको बताइए, हम खोलेंगे इसको,
तो ये देखें व्यूअर जी, हमने ये वाला स्विच काटा था और ये नया लगा दिया। अभी हम इसको लगाएंगे, दोबारा लगा के हम इसके एम्पियर चेक करेंगे और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो मतलब के यकीन ठीक हो जाएगा। तो ये जो कि स्विच इतना अच्छा नहीं, हमने एमरजेंसी में लगाया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमने एमरजेंसी में लगाया। तो लेकिन असल इसका स्विच ये वाला लगना चाहिए और यही हम भी ला के लगाएंगे। तो चलें व्यूअर्स, अभी हम लगाते हैं और एम्पियर चेक करते हैं। तो देखें व्यूअर्स, इसके पायर जो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इसके 4-4.5 तक होने चाहिए, लेकिन ये बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो कंप्रेसर है वो फारग हो चुका है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा है और उसका जो उसी वजह से ये इसका, ये देखें इसके एम्पियर किस तरह बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। वैसे 1-2 मिनट तक तो ठीक था, लेकिन 3-4 मिनट जब वो गया ऊपर तो उसके एम्पायर जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से जो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी इसमें ये फॉल्ट, असल में जो इसमें फॉल्ट था हमारे अपने आइडिया के मुताबिक, तो इसमें फॉल्ट वो स्विच का था, जो हमारा मतलब ये जायज़ा था कि शायद ऐसा होगा जो हमने आपको दिखाया भी था। तो लेकिन इसमें वजह ये नहीं थी, ये स्विच का मैंने आपको बताया था कि शायद इस स्विच की वजह से ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो ट्रिप कर रहा है बार बार। तो उसको मैंने कट करके सही भी किया था और उसको दोबारा चलाया, चेक किया, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो असल मसला आ रहा है वो इसके कंप्रेसर में आ रहा है, क्योंकि इसके एम्पायर मुसलसल ये देखें बढ़ते जा रहे हैं और जब 5-6 मिनट तक ये चलता है ये बिल्कुल ट्रिप कर जाता है। तो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा ये सारा मैंने खोला दिखाया आप, और ये जो बात खास मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी किसी चीज़ का कोई स्विच जलता है तो उसमें ये नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि शायद वो साकेट ख़राब थी वो स्विच जल गया। हो सकता है कि उसमें किसी चीज़ का लोड पड़ रहा हो, जैसे कंप्रेसर का या मोटर का किसी भी चीज़ का लोड पड़ता है तो वो स्विच उसके जलने की रीज़न बन सकता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो किसी बड़ी मशीनरी जैसे एसी, एयर कूलर इस तरह को, तो आप मतलब सारा खोल के पहले चेक करें और उसके बाद ही आप जायज़ा ले सकते हैं या ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसके स्विच के जलने की क्या वजह थी। तो व्यूअर्स, हमेशा की तरह जो मेरा लास्ट मैसेज यही होता है कि आप बहुत सारा ख्याल रखना, अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ रहना और मुझे दुआ में याद रखना और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपने कोलीग के साथ प्रमोट ज़रूर करना। तो मेरी किसी नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।